चौधरी साहब जो है चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है, स्वामीनाथन जी को दिया गया है। देखो वे अब अपने क्षेत्र की एक शख्सियत थी। चौधरी चरण सिंह जी ने भी गांव के लिए बहुत काम किया, खास करके किसानों के लिए, ऐसी समाज के लिए, आदिवासियों के लिए। उन्हें गांव की पृष्ठभूमि को समझा, उनका जन्म गांव में हुआ और वे उच्च पद तक गए। और जब वे उच्च पदों पर थे तो उन्होंने वहां पे काम किए हैं, तो वो इसके हकदार थे भारत रत्न के, उनको मिला है। स्वामी नाथन जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी, उन्हें भी एक कमेटी बनाई थी और जो अपनी रिपोर्ट दी थी भारत सरकार, आज की मौजूदा भारत सरकार 2014 के इलेक्शन से पहले अपने घोषणा पत्र में लेकर आए थे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, लेकिन लागू आज तक नहीं करी। भारत रत्न दिया है तो उनके विचारों को भी सरकार अपने उसमें दर्ज करे और उसको लागू कर दे। आपको नहीं लगता क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घोषणा होनी? देखो घोषणा होगी और मिल गया, उसको चुनाव के इशू से मतलब जोड़ो, वो मिल गया, चुनाव वाले क्या कहीं दूसरी जगह चले गए। फिर तो पिछले चार दिन से जयंत चौधरी दिल्ली बैठे हैं, बातचीत पर जोर चल रहा है। ठीक है, अपने काम करना चाहिए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जहां उनको ठीक लग रहा है कि यहां फायदा होगा तो वहां वो अपनी बातचीत चला रहे। जिस चीज का दबाव डलना चाहिए, सब आदमी अपना प्रेशर का काम करता है, किसान आंदोलन अपने काम करते हैं, जो और पॉलिटिकल पार्टी वे समय समय पे अपना काम करती है। किसान संगठन भी चौधरी मंसूर के तहत मतदान देने की मांग उठा रहे हैं। अभी ये विवादित वो रहेगा, उसकी तरफ हमारा कोई वो नहीं है, ये एक विवादित बयान रहेगा। चौधरी चरण सिंह जी में टिकट साहब में कोई फर्क नहीं था, उनको मिल गया किसान सम्मान मिल गया, वो आज का विषय नहीं है।